जो ट्रक है वो भी आ चुका है, ईगल बाइक ट्रांसपोर्ट है, अभिषेक भाई का है। ये मस्त लग रहा है सेटअप। तो अभी ओवरऑल जो है बाइक का लुक कैसा आ रहा है, जो मेरा लगेज सिस्टम है उसमें ये है, देखो एक टॉप बॉक्स है, देन SW मोटेक का जो मैं पहले भी यूज कर रहा था Z800 के साथ में। ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का जो बेसिकली दिन है वो हम लोगों का बाइक शिपिंग का है। तो अभी यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं वत्थूर में, एंड जो बाइक्स हैं अपनी यहाँ पे पार्क हैं। तो आज के ब्लॉग में आप लोग दिखाएंगे कि बाइक्स को लोड कैसे करते हैं, एंड देन बाकी वहाँ पे जो भी अनलोडिंग रहेगी वो वाला भी मैं कवर कर दूंगा लास्ट में। तो अभी फाइनली अभिजीत, एड्रेन, भुलू भाई एंड अभिषेक जो कि हम लोगों का बाइक ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं यहाँ से टिल चंडीगढ़। तो डिस्टेंस है अराउंड 2500 किलोमीटर, जो कि काफ़ी है। तो अभी गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, बट अभी सीन कुछ ऐसा है कि बाइक वाइक ट्रांसपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। रात में ट्रक्स अलाउड नहीं रहते, दिन अर्ली मॉर्निंग में ट्रक्स नहीं अलाउड रहते। पूरा ट्रैफिक से क्रॉस करके आए हैं, एंड जो फाइनली अपना जो आज है सैटरडे, एंड हम लोग बाइक शिफ्ट करने वाले हैं। अभी आप लोगों को बाइक दिखा देता हूँ। बेसिकली एक है यहाँ पे 1250, एंड इसमें भी टॉप बॉक्स जा रहा है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। एंड ये वाला जो है फ्यूल कैन जा रहे हैं, दोनों साइड में सैडल स्टे में लग गया। एंड जो अपनी दूसरी बाइक है वो है KTM 390, यहाँ पे भी ये पूरी रेडी है। देखो यहाँ पे भी रेड वाले जो आप लोगों को फ्यूल कैंस दिख रहे हैं वो है। देन वी हैव अफ्रीका ट्विन जो कि अभिजीत की है, एंड इसमें भी देखो साइड बैग्स, जो क्रैश बार बैग है वो लगा हुआ है, जो टैंक बैग है वो है। देन उसके बाद में ये बड़ा वाला बैग जाएगा, एंड जो सैडल जो क्रैश बार बैग है वो एक एक इस साइड में भी लगा हुआ है। देन जो मेरा लगेज सिस्टम है उसमें ये है, देखो एक टॉप बॉक्स है, देन SW मोटेक का जो मैं पहले भी यूज़ कर रहा था Z800 के साथ में ये जा रहा है। एंड ये जो है अपना रॉक स्ट्रैप से मैंने बांध दिया है, तो अभी ये हिलेगा तो नहीं, आराम से हो जाएगा। एंड जो ट्रक है इसमें स्पेस इनफ है, तो आराम से इसी के साथ में चला जाएगा। एंड वायर टायरा का जो दोनों क्रैश बार बैग है वो मैंने रख लिया है। अभी देखो गर्मी इतनी हो रही है भाई साहब, मतलब ये रबड़ भी एकदम ठंडा, मतलब लूज हो गया है, तो ऐसा कुछ है। देन अपना ये जो पीक डिज़ाइन का है ये, इसको ट्राई करेंगे हम लोग इस वाले में कैसे है। एंड डबल टिक का जो मिरर था वो तो मैंने लगवा लिया था। तो अभी ओवरऑल जो है बाइक का लुक कैसा आ रहा है, तो मस्त एकदम मज़ेदार वाला राइड होने वाला है। एंड यहाँ देखो कुछ कुछ मैंने स्टिकर्स लगा दिए हैं, 66 BHP का जो टॉप बॉक्स का ब्रांड है। देन लद्दाख, पीक डिज़ाइन, ताइची, डर्ट सैक, SMK, राइडा, 66 BHP, एंड हर तरीके के ब्रांड लगा हुआ है। LRL मोटर्स जैसे कि यहाँ से ऑर्डर किया है, देन इंडिया बाइक वीक। और बोलो भाई मजा फाइनल फाइनल yes. होगा ये मस्त लग रहा है सेटअप। ये वहाँ रखेंगे, रखे वीडियो बनाएंगे सब साथ में रखेंगे, रखेंगे। अच्छा ये भी लगा लिए क्या? ओके टैंक भी रखेंगे। ये एक्चुअली दिबाकर को जरूरत था, बोल रहा था कि थोड़ा ग्रिप के लिए चाहिए। हाँ वो तो चाहिए रहेगा। तो ऐसा कुछ है, बाकी ये रैम माउंट है, तो देखो ये भी मस्त एकदम इस बार एक्सपीरियंस होने में आएगा कि कैसा है। एक जो मैंने बैश प्लेट है वो मेरे को लगवानी, तो मैंने चंडीगढ़ में एक बाइकोलॉजी करके है शोरूम, वहाँ से मैंने बात करके रखी। वंडर लीश का जो है प्राइस बहुत ज़्यादा है, 30,000 का आता है, एंड वो चीज़ ना मेरे को बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रही है। जो BMW 1250 आती है इसमें ऑलरेडी जो बैश प्लेट है वो काफ़ी मतलब लंबी दी हुई है, तो इसमें कुछ हिट होने का चांसेस नहीं है, बट मेरे को हो सकता है लगवाना पड़े। तो अब यहाँ पे गब्बर चाय में रखे थे, अब यहाँ पे PLH है, यहाँ पे अंदर जाएंगे हम लोग, जो बाइक की शिपिंग होगी वो अंदर से होगी। यहाँ पे थोड़ा सा जलपान खाया जाएगा, और ये देखो गब्बर, यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करके मोस्टली ट्रक जो है अपना अराउंड पहुँच जाएगा 1240, तो उसके बाद में जो अपना बाइक का शिपिंग है वो स्टार्ट होएगा। ये देखो बाकी अपना इस बार स्कॉर्पियन का हेलमेट लेके जा रहा हूँ, एक कार्बन फाइबर है, तो होपफुली क्या मतलब लाइट वेट है, ऑलरेडी 1200 ग्राम्स का जो है हेलमेट है। थोड़ा सा सेना मैंने हटा दिया, इस बार ब्लू आर्मर टेस्ट करेंगे, एंड इसका जो है वेट काफ़ी कम है, और ये देखो पूरा कार्बन फाइबर लुक से जा रहा है, मैच कर रहा है दोनों का। तो यहाँ से अभी जल्दी से निकलते हैं एंड पहुँचते हैं अंदर, जहाँ से बाइक अभी ट्रक आ रहा है वहाँ से बाइक स्टार्ट करेंगे लोड करना।
फाइनली बाइक से यहाँ पे लग चुके हैं एंड बहुत गर्मी हो रही है यार, बहुत ज्यादा गर्मी, मतलब अभी सोच नहीं सकते कितनी गर्मी है। नहीं, सोच तो सकते हैं, सोच सकते। देखो अभी यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट वाला जो ट्रक है वो भी आ चुका है, ईगल बाइक ट्रांसपोर्ट, ये अभिषेक भाई का है। तो अगर किसी ने भी अगर बाइक वाइक ट्रांसपोर्ट करानी है, दे आर स्पेशलाइज्ड इन दिस वन एंड जो स्पेशली आप लोगों को प्राइजेज हैं अच्छे लग जाएंगे। एंड जो ट्रक है वाइड इनफ है, तो जो अपना बाइक है अभी आप लोगों को थोड़ी देर में पता लग जाएगा किस तरीके से पार्क होने वाला है। दिस वाइड इनफ क्योंकि हम लोग लास्ट टाइम जब नॉर्थ ईस्ट में शिप किया था ना, तो उस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम आया था क्योंकि वो ट्रक थोड़ा सा वाइड नहीं था एंड हम लोगों ने जो बाइक्स है ऐसे हॉरिजॉन्टल वे में पार्क किया था। बट अभी देखो यहाँ पे पूरा स्लंटेड वाला हर एक चीज़ प्रॉपर से है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, ट्राई करेंगे अपने साथ में कैरी करने का, बाकी ये इसको ऐसे ही लगे रहने देंगे। तो अभी फाइनली सेटअप ऑल रेडी हो चुका है। और हमारा इंस्टाग्राम पर भी प्रेजेंस है, ओके, कॉल इज ईगल बाइक ट्रांसपोर्ट, यू कैन जस्ट सर्च इट, जस्ट वन अकाउंट, द सेम लोगो दैट यू कैन सी। सो राइट नाउ वी आर डूइंग इट ओनली फ्रॉम बैंगलोर टू सी, इसमें बाहर से आता है, ऐसे कुछ खोलना नहीं पड़ता, पूरा जो सस्पेंशन वाला किट है वो लगा हुआ है। सो केज में जब जा रहा है इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम, ऑब्वियसली बिकॉज़ यू हैव टू वेट दैट की कुछ और गाड़ी, तो लॉन्गर टाइम होगा। इफ आप डेडिकेटेड ट्रक ले रहे हैं तो 5 to 6 days बोल सकता हूँ मैं यहाँ से चंडीगढ़ तक, क्योंकि डायरेक्ट जाते कहीं पे रुकता नहीं है, अगर डेडिकेटेड नहीं है तो बहुत हॉल्ट्स होते हैं, उसको टाइम लगता है। इट विल गो वाया दैट गुजरात रूट और एमपी, हैदराबाद इज द शॉर्टेस्ट रूट। इफ यू आर गोइंग बाय लाइक फ्रॉम मुंबई राइट, इट विल बी टू मच। ये देखो एकरा भी मस्त एकदम उमलिंगला राइड पे शोर मचाती हुई जाएगी। तो ये देखो यहाँ पे इस तरीके से चढ़ गई है एंड उसके बाद ये ऊपर उठ के आप उधर जाइए, आगे आगे नाइस है ना, मतलब अच्छा, गिरने का चांसेस नहीं है। अरे वो लास्ट टाइम बड़ा रिस्की हुआ था ना, कौन गिरा था कोई, तो नहीं, भाई ब्रेक लगा दीजिए। हाँ 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 दैट वाज, हाँ स्टार्ट अगली गाड़ी, वन मिनट। लास्ट टाइम लाइक व्हेन वी शिफ्ट इट वाज लाइक स्लोप, देन समवन ड्रॉप द बाइक आल्सो। सही है, एकदम पूरा एडवांस वाली चीजें हैं, तो ऐसे धक धक हो रहा है धक धक हो रहा है नहीं देखेंगे अभिजीत क्रैश का टेस्ट हो रहे हैं। ये देखो ये बाइक अभी इस तरीके से लग चुकी है, सेम वे में अपनी भी बाइक लगेगी इस साइड में, देन उसके बाद में अपना जो भी है। ये देखो घुमा के रखे तो अगर हमारे पास और एक ट्रक है विड्थ तो ज्यादा है उसमें, पर इसमें अगर हम कर दे तो जो फाइबर पार्ट्स हम डैमेज नहीं करना चाहते, तो जो घुमा के गाड़ी वटके मारने में बहुत टाइम लगता है इससे। चल ब्रिंग माय बाइक, या लोकल शॉपिंग ऑल यू कैन गो। सो अभी देखो दूसरा वाला बाइक शिप हो रहा है, ये मस्त चीज लगी यार, मतलब मस्त एकदम पूरा बटन से ही सारी चीजें ऊपर नीचे होके शिप हो जाती है, इजी प्रोसेस। तो ये देखो यहाँ पे इस तरीके से बाइक लग रही है अपनी। तो देखो ये जो है ईगल बाइक ट्रांसपोर्ट बेंगलुरु, यहाँ पे मतलब इनका सेम ही नाम से इंस्टाग्राम आईडी भी है, वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हो।
और अगर कुछ क्वेरीज हैं उसके लिए आप लोग मेरे को फॉलो कर सकते हो नदीम अलवी व्लॉग्स, जो कि आप लोगों का भी डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा। और देखो हर एक चीज़ ना, मतलब पूरा जो ट्रक है वो स्पेशली जो आपका सुपर बाइक्स और महंगी बाइक्स होती है ना उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। क्योंकि तो अभिषेक है, ही ऑल्सो ओन्स अ डुकाटी मल्टी स्टार्टर V4S, तो अब जो बाइकर ही बाइकर का पेन समझ सकता है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है अभी कभी बाइक ट्रांसपोर्ट करते हो ना, तो वो चीज़ यहाँ पे मेरे को अच्छी लगी कि ही विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। एंड स्पेशली जो मतलब जो ट्रक अलग से डिज़ाइन किया गया है तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अभी यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट 1 बज चुका है सैटरडे को, गर्मी इतनी गंदी वाली हो रही है, एंड हम लोगों को मंडे को निकलना भी है, तो बाकी जो है सारा सामान वामान निकल जाएगा। हम लोगों ने जो भी मैक्सिमम चीज़ें थी वो हम लोगों ने बाइक के साथ में भेज दी है, एंड जो थोड़ा बहुत सामान रहेगा अपने साथ में, ये हाइड्रेशन ब्लैडर वाला जो बैग है वो रहेगा, एंड उसके बाद में थोड़ा बहुत जो सामान अपना साथ में कैरी करने के लिए टी शर्ट वी शर्ट। जो ये वाला ट्रक है इट विल रीच ऑन 24th, तो अभी यहाँ पे रुक जाओ अब आई ऑल्सो कम। अभी देखो ये वाला बाइक जो है अभिजीत का बाइक, ये स्ट्रैप हो जा रहा है, तो चैसी के साथ में ही वो जो स्ट्रैप्स लग रहे हैं वो पूरा अच्छे से टाइट हो जाएगा, तो गाड़ी का मूवमेंट नहीं होएगा। सेम चीज़ अपनी बाइक में भी होगी, ऐसा नहीं कि सीट के ऊपर से बांध रहे हैं तो सीट के ऊपर से थोड़ा सीट डैमेज हो सकता है, बट दे विल यूज़ द चैसी टू टाइट इट एंड प्रॉपरली सीधा रहेगी बाइक, मूवमेंट नहीं आएगा। एंड स्पेशली अगर कहीं बीच में राइडिंग के टाइम पे कॉप्स मिलते हैं तो वो छोटा वाला गेट है वो खोल के यहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए रहता है। एंड बाकी देखो अभी यहाँ पे दो बाइक्स और चढ़नी है, एक BMW 1250 एंड KTM 390, तो ये दोनों जो चढ़ जाती है उसके बाद में अपन लोग निकलेंगे अपना काम आज का कम्प्लीट। यहाँ मिलेगा सुपर मार्केट, मैं लेके आ रहा हूँ। तो देखो अभी तीसरी बाइक चढ़ रही है एंड ये भी अभी स्ट्रैप होगी, लास्ट अपनी रहेगी बस KTM। गर्मी वर्मी इतनी हो रही है, यहाँ पे अभी क्लब हाउस के पास में थोड़ा सा स्टोर है, यहाँ से कुछ थोड़ा बहुत सामान लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक वोल्ड्रिंक। तो अभी देखो यहाँ पे KTM जो लास्ट बाइक है ये भी अभी चढ़ रही है, एंड उसके बाद में देन स्ट्रैप होने के बाद में चारों बाइक्स अपनी लोड हो जाएगी। तो अभी देखो फाइनली बाइक्स अपनी सारी यहाँ पे लग चुकी हैं, चारों तरफ से स्ट्रैप है, इजीली कोई सा मूवमेंट नहीं है। देखो बाइक्स में किसी में भी देखोगे हल्का सा भी मूवमेंट नहीं है, तो इजीली आराम से हो जाएगा। एंड देन उसके बाद में यहाँ से निकलेंगे अभी हम लोग। सो डस्ट विल ऑल्सो नॉट गो इन साइड, ओके। हाँ उसमें गया था ना, वो क्या है नीचे वो है जाली है पूरा। हाँ 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 करेक्ट, जो हम लोग भेजते थे लास्ट टाइम। हाँ जाली जाली जब गाड़ी निकला पूरा वाइट है सब। हाँ बाइक ही नहीं पता लग रही थी कौन सी है। नाइस यार, मस्त एकदम, दिस इज वेरी नाइस। देखो यहाँ पे सस्पेंशन वाला है, पूरा काम होता है। ऑलराइट जी, तो आप लोगों ने देखा भी फाइनली बाइक की लोडिंग हो चुकी है, एंड टाइम काफ़ी हो चुका है, अभी निकलेंगे यहाँ से घर में, रेस्ट वेस्ट करेंगे जाके, एंड जो बाइक है अपने लोगों जो बाइक है अपने को 23rd या 24th मई को मोस्टली मिल जाएगी, दैन उसके बाद में हम लोग आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। अमेजिंग वाला राइड होने वाला है, बहुत चीज़ें हम लोग कवर कर रहे हैं, उमलिंगला कर रहे हैं, दैन उसके बाद संस्कार भी कर रहे हैं, एंड हो सकता है सचपास भी करें अगर खुल जाएगा उस टाइम पर। तो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब टू माई चैनल, इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लें, माई इंस्टाग्राम आईडी इज़ नदीम अलवी ब्लॉग्स। एंड बाकी कुछ भी क्वारीज है किसी पे भी रीच आउट कर सकते, कमेंट्स कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टेक केयर, बाय बाय।